सपने में कटहल देखना, इसका क्या मतलब होता है? क्या फल प्राप्त होता है? क्या संकेत होता है? इस वीडियो में कटहल से संबंधित आपको अनेक प्रकार के कटहल से संबंधित सपनों की जानकारी प्राप्त होगी। तो हमारी इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको कटहल से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप सपने में कटहल का पेड़ देख रहे हैं, उसमें कटहल लगे हुए हैं, या आप कटहल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ चुके हैं, या कटहल रखा हुआ है, या किसी भी दशा में सपने में कटहल का फल देखते हैं, तो सपने में कटहल का फल देखने का अर्थ होता है आप अपने मन में आशाएं पाल रहे हैं, इच्छाएं पाल रहे हैं, आप अपनी आवश्यकता से अधिक धन प्राप्त करने, आवश्यकता से अधिक खुशी प्राप्त करने का कार्य करने की सोच रहे हैं। जब आप कोई अचानक ये निर्णय लेते हैं कि इस कार्य को करने से हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा, अधिक खुशी होगी, तब ये सपना हमें दिखाई देता है। तो इस सपने का अर्थ होता है कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं, उस कार्य में आपका कार्य तो पूरा हो जाएगा, परंतु आप जो इच्छा रख रहे हैं, जो कामना रख रहे हैं कि हमें इतनी अधिक धन की प्राप्ति होगी या इतना अधिक हमें मुनाफा होगा, तो इस प्रकार का आपका मुनाफा होना संभव नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी कार्य में 500 रुपया लगा रहे हैं, तो आपको उस कार्य के पूरा होने के बाद वो 500 रुपये ही आपके पास रहेंगे, या उसमें से कुछ कम भी हो सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि आप जो भी कार्य करने की सोच रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो उसमें सिर्फ समय ही व्यर्थ होगा, पर कार्य तो पूरा होगा, परंतु आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ आपको कम मात्रा में ही प्राप्त होगा, अपितु तो हानि ही हो सकती है। तो इसलिए आप ऐसे समय में कटहल जब भी देखें, या पेड़ पर चढ़कर तोड़ रही हूँ, या लगा हुआ देख रही हूँ, रखा हुआ देख रहे हैं, कटहल जब भी दिखाई दे, समझ जाएं आप अपनी इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, आप इच्छाओं के अधीन हैं, आप लालच में हैं, और ऐसी दशा में आपका जो लालच है वो पूरा नहीं होगा, और आप जिस अवस्था में हैं, जिस कैटेगरी में आप कार्य कर रहे हैं, उसी कैटेगरी में रहेंगे। क्योंकि वो कार्य तो शीघ्र पूरा हो जाएगा, उसका समय निकल जाएगा, परंतु आपका जो कार्य पूरा करने के बाद जो आपका लक्ष्य है, जो अधिक धन कमाने की जो इच्छा पूर्ण होने वाली है, वो आपकी इच्छा नहीं पूर्ण होती, कार्य तो पूर्ण हो जाता है। तो मैंने जो जानकारी दी, कैसी लगी? आप कमेंट अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।